गर्मियों में कड़ी धूप से बचने के लिए क्या आप एक एयर कूलर खरीदने की सोच रहे हैं, और वो भी सिर्फ एसी के कॉस्ट और लंबे चौड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल से बचने के लिए? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के एंड में मैंने एक कंक्लूडिंग रिमार्क ऐड किया है, जिससे आप यह तय कर सकोगे कि आपको एसी खरीदना चाहिए या फिर कूलर ही सही रहेगा। यहाँ पे हम एसी और कूलर के कंपैरिजन के लिए टोटल 8 पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे और आखिर में इनके बेसिस पे कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारे पैरामीटर 1 फॉर कंपैरिजन, कॉस्ट। एक एयर कूलर शुरू होता है 3,000 रुपये से, और अगर हम एसी की बात करें तो ये 25,000 रुपये से स्टार्ट होता है। इस हिसाब से एक एयर कंडीशनर को काफ़ी महंगा हम बोल सकते हैं। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप एक एयर कूलर के लिए जा सकते हैं, पर सिर्फ ये एक पैरामीटर देख के डिसीजन लेना उचित नहीं होगा। देर आर लॉट मोर थिंग्स यू माइट इंटरेस्टेड टू नो। फिर सेकेंड पैरामीटर है पोर्टेबिलिटी। एयर कूलर को सिर्फ प्लग इन और प्लग आउट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इन शॉर्ट ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। पर एयर कंडीशनर की बात करें तो एक बार इसे इंस्टॉल कर दिया तो हम इसे मूव नहीं कर सकते, यानी कि एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। फिर हमारा थर्ड पैरामीटर है पावर कंजम्पशन। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिसकी वजह से लोग एयर कूलर की तरफ डाइवर्ट होते हैं। एयर कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जिसके मुकाबले अगर आप कूलर कंपेयर करें तो ये 80% तक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है फंक्शनिंग, यानी कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। एसी और कूलर, इन दोनों का वर्किंग अलग अलग तरीके से होता है। एयर कूलर एक नेचुरल प्रोसेस से अंदर की हवा ठंडी करता है, जिसमें ये वाटर को एब्जॉर्बेंट पैड से पास करता है और अंदर फैन की मदद से ठंडी हवा फेंकता है। और अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो ये केमिकल कूलेंट इस्तेमाल करता है रूम के अंदर ठंडी हवा फेंकने के लिए, और गर्म हवा एब्जॉर्ब करके आउटडोर यूनिट से निकाल देता है। एयर कंडीशनर टेम्परेचर को जितना सेट किया है उसके अनुसार कस्टमाइज करता है। और एक कूलर की बात करें तो ये हल्की सी नमी के साथ सिर्फ ठंडी हवा फेंकता है। इट डज़ नॉट कंट्रोल रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। फिर फिफ्थ पैरामीटर है कम्फर्ट। एक एसी में रूम के अंदर कंट्रोल्ड चिलिंग और ह्यूमिडिटी, यानी कि कंट्रोल्ड नमी की वजह से आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है और आप यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर अगर हम एयर कूलर की बात करें तो ज़्यादा देर तक ये ऑन रखने पे ये हमारे रूम के अंदर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, और इस वजह से हमें अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगता है, जिससे हम ज़्यादा देर तक इसे चालू नहीं रख पाते। फिर हमारा सिक्स्थ पैरामीटर है क्योंकि एयर कूलर ह्यूमिड एयर यूज़ करता है रूम को ठंडा करने के लिए। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि अगर वातावरण में पहले से नमी है, तो ये ठीक से काम नहीं करते। पर एयर कंडीशनर में ऐसा नहीं है। ये ड्राई क्लाइमेट हो या ह्यूमिड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों को हमारे कंफर्ट के अनुसार कंट्रोल करते हैं। और कहीं एसी मॉडल्स में एसी के साथ साथ हीटर भी हमें मिल जाते हैं, तो इसे हम विंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ पैरामीटर है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट। एयर कूलर रूम के अंदर जो वार्म एयर है उसे एब्जॉर्बेंट पैड से पास करता है, और इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। पर क्योंकि एयर कंडीशनर्स कूलेंट में CFLs इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अनडिज़ायरेबल है, और अंदर जो गर्म हवा है उसे आउटडोर यूनिट से बाहर करता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी अफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एयर कंडीशनर इको फ्रेंडली नहीं है। और यहाँ पर हमारा एट्थ एंड द लास्ट पैरामीटर है हेल्थ इफेक्ट्स। अब हम यह जानते हैं कि एयर कूलर्स पानी की वजह से हवा ठंडी करते हैं, तो हमें एज अ फ्यूल इसमें पानी डालना पड़ता है। पर अगर ये पानी ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है तो इसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। और एसी की बात करें तो पूरा दिन एसी में बैठने से हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है, क्योंकि ठंड के कारण पसीना बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, और जब आप बाहर जाते हैं तो एक साथ सब पसीना स्किन से बाहर निकल जाता है। दिस विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी पावर। फिर अगर एसी रेगुलरली क्लीन नहीं होते तो इसमें धूल जमा होने की वजह से ये रेस्पिरेटरी इलनेस प्रमोट करता है, तो ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फिर पूरा दिन एसी में रहने से जॉइंट पेन और वेट गेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, और नो स्वेटिंग की वजह से हमारा फैट बर्न नहीं होता। कूलर की बात करें तो इसमें अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट नहीं होते हमारी हेल्थ पे,
पर लोग ज़्यादातर एसी यूज़ करते हैं क्योंकि जैसा कि हमने बात की, हम ज़्यादा देर तक ह्यूमिड क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते। अब आखिर में मैंने एक कंक्लूडिंग रिमार्क ऐड किया है जिसके बाद आप ये तय कर सकोगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, एसी या कूलर। शुड प्रीफर कूलर ओनली इफ़ यू स्टे इन ड्राई क्लाइमेटिक एरिया एंड योर बजट इज़ लो। एक तो अगर आप ड्राई क्लाइमेटिक एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ के वातावरण में नमी कम है, और अगर आपका बजट भी कम है तो आपको कूलर खरीदना चाहिए। एल्स शुड गो फॉर एयर कंडीशनर्स बट मेक श्योर टू हैव लिमिटेड यूज़। वरना आप एसी खरीद सकते हैं, पर एसी का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।